हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंट्स इस चैप्टर की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो सीख लिया था। अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखे तो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। इस वाले वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट्स, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस तरीके से पहले हम लोग बनाया करते थे उसे हॉरिजॉन्टल पीएनएल या टी फॉर्मेट का पीएनएल बोल सकते हैं, बट इस चैप्टर में हमें हॉरिजॉन्टल पीएनएल को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने से पहले हमें वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट देखना होगा। तो सबसे पहले वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हम लोग हमारी बुक में कॉपी कर लेते हैं। ये फॉर्मेट आपको बैलेंस शीट के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट है ये भी सिंपल। एक एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको ये पूरा फॉर्मेट समझा दूंगा, बट ये फॉर्मेट यहीं पे खत्म नहीं होता है, आगे भी है। यहाँ पर एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कुछ कुछ समय हो सकता है कि इसके भी आगे हमको सॉल्व करना पड़े, बट हमारा जो फॉर्मेट है वो स्टार्ट होगा यहाँ पर सेल्स में से एंड देन यहाँ खत्म होगा एनपीएटी, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। ठीक है, ओके। एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का, तो हम लोग को सेल्स से लेकर फैक्ट्री एक्सपेंस यहाँ तक है ना, सेम टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हर सम में इतनी चीजें तो होंगी ही होंगी। इसके जो नीचे का पार्ट है, हो सकता है सम में हो सकता है सम में ना हो, तो वो हम लोग अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे, बट फैक्ट्री एक्सपेंस तक हम लोग आंख बंद करके पहले ही बना लेंगे। ठीक है, क्यों करना है ऐसा? एग्जाम्पल के द्वारा आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की ओर। ये रहा हमारे एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में क्या बोला है? एग्जाम्पल में बोला है, फॉलोइंग इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समरी ऑफ वेल बैलेंस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2017, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्या बोला है? वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। जैसे ही हमको पता चल गया कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे फॉर्मेट में सेल्स से लेकर फैक्ट्री एक्सपेंस तक का जो पार्ट है वो सेम टू सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, फॉर्मेट चेंज क्यों किया है? देखो यहाँ पर बोला है फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, फॉर्मेट चेंज करके एनालिसिस करने में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको एक अलग एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हमारा स्टेटमेंट बनाएंगे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, और सेम जैसा मैंने आपको बोला सेल्स में से लेकर फैक्ट्री एक्सपेंस तक एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, देन हमको सम में कैसे सॉल्व करना है, देखो हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से नहीं जाना है, हमको सोल्यूशन के हिसाब से जाना है। सोल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले क्या दिया है, सेल्स, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, सम में जाएंगे, सम में कहीं पे सेल्स दिख रहा है, ये रहा सेल्स, कैश में कितना दिया, 5,20,000, और क्रेडिट में कितना दिया है, 15,00,000। अब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे हमारे सोल्यूशन के अंदर, सेल्स मेन हेडिंग है, ठीक है, इसके अंदर कैश क्रेडिट दिया, तो हम लोग जाके यहाँ लिख देते हैं कैश में सेल्स किया था 5,20,000 का, और क्रेडिट में कितना किया है, 15,00,000 का। अच्छा, ये देख के क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, एक नॉर्मल इंसान क्या समझ सकता है कि हमारी कंपनी ने इस बार जो सेल्स किया है उसमें से कैश सेल्स कितना है, 5,20,000, और उधार का सेल्स कितना है, 15,00,000। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल सेल्स कितना किया, 20,00,000। ओके, उसके बाद हमारे फॉर्मेट में आता है सेल्स रिटर्न, अगर है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, एंड अगेन सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड। चेक करते हैं सब में है क्या, ये रहा 20,000, तो जाते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000, एंड हम लोग क्या करेंगे इसको इससे माइनस कर देते हैं, तो आउटर कॉलम में हमारा जो सेल्स आएगा वो है 20,00,000। ठीक है, सेल्स का पार्ट खत्म, इनकम का पार्ट खत्म, ये पूरा पार्ट इनकम का था कि हमारे पास सेल्स था जिसमें से कैश में 5,20,000 है, क्रेडिट उधार पे 15,00,000 है, टोटल मिला के हो रहा था 20,00,000, लेकिन इसमें से हमने कुछ सेल्स रिटर्न भी किया था, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री हम लोग याद रखना क्या होगा, माइनस हो जाएगा सेल्स में से, तो हमारे नेट सेल्स कितना आ रहा है, 20,00,000। ठीक है, ओके, अब यहां से जो पार्ट है वो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला हेडिंग आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब में कभी भी डायरेक्टली नहीं दिया होगा, अगर होता ना तो हम लोग डायरेक्टली उसको ये वाले कॉलम में लिख देते, बट सब में नहीं दिया है। इसके अंदर जो पार्ट दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कौन से कॉलम में जाना चाहिए, फिर सेकंड कॉलम में, क्योंकि इसका सब हेडिंग है, और इसके अंदर जो चीजें दी गई हैं ये कौन से कॉलम में आएंगे, वन। अब ये जो है ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक, ये सारी चीजें हमको सब में देखने को मिलेगी, रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें सब में डायरेक्टली देखने को मिलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे सब में जाके चेक करते हैं क्या ओपनिंग स्टॉक है, ये रहा 7,00,000, तो मैं जाता हूँ यहाँ लिख देता हूँ 7,00,000। उसके बाद परचेजेस, देखो परचेजेस उसके नीचे ये 9,00,000, मैं जाके यहाँ पर लिख देता हूँ 9,00,000। ओके, देन कैरेज इनवर्ड नहीं है,
कैरिज इनवर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, कैरिज इनवर्ड के सामने मैं डैश कर देता हूँ। फिर हमको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आर एम, आर एम स्टैंड फॉर रॉ मटेरियल। चेक करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 6 लाख, लेकिन ये याद रखना है क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, ठीक है, मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, क्योंकि क्रेडिट साइड पे दिया ना, ठीक है, और ये ओपनिंग स्टॉक परचेजेस डेबिट साइड पे दिया हुआ है। ओके, सो इन दोनों में से इसको माइनस करें तो कितना आएगा, चेक करते हैं, 7 लाख प्लस 9 लाख माइनस 6 लाख, तो आ रहा है 10 लाख। अब ये 10 लाख क्या रिप्रेजेंट करता है, 10 लाख है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, जो कि सेकंड कॉलम में आना चाहिए था, अभी भी आया बट प्रेजेंटेशन के साथ। ओके, उसके बाद बारी आती है फैक्ट्री एक्सपेंसेस की। अच्छा, फैक्ट्री एक्सपेंस में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखो हम लोग ने यहाँ पर पहले मार्किंग किया नहीं है बिकॉज ये पहला एग्जाम्पल है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग फॉर्मेट समझो, मैं फॉर्मेट वाइज जा रहा हूँ, फॉर्मेट में जो जो चीज़ें लिखते जा रहा हूँ जाके क्वेश्चन में से उठा रहा हूँ और उसकी एंट्री करते चला जा रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड में जब हम लोग फाइनल अकाउंट करते थे ना तो ऐसे ही करते थे, ट्रेडिंग की चीज़ें ट्रेडिंग में डाल देते थे, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते थे, एंड बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में लिख देते थे, साइमल्टेनियसली एंट्री करते थे। बट वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में साइमल्टेनियसली एंट्री नहीं कर सकते, जैसे जैसे जो जो चीज़ आएगा वैसे वैसे एंट्री करेंगे। जैसे अभी फैक्ट्री एक्सपेंस आया तो मुझे यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंसेस ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, डेबिट साइड पे ही दिखते हैं ना एक्सपेंसेस, डेबिट साइड एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनमें से मुझे ना सारे के सारे क्या ढूंढने, जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ठीक है, बट ये जो डेबिट साइड है ना यहाँ पर कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस का क्लास है, 3 तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, हर बिजनेस में 3 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है फैक्ट्री एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, एक एक्सपेंस होता है जो ऑफिस से रिलेटेड है, और एक एक्सपेंसेस होता है जो सेल्स से रिलेटेड है, ठीक है, सेल्स की वजह से हम करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंसेस को डिवाइड कर देंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर वो एक्सपेंसेस आएंगे जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, ऑफिस के अंदर वो खर्चे जो ऑफिस से रिलेटेड है, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो खर्चे जो सेल्स से रिलेटेड है, जिससे मेरा सेल्स बढ़ता है, ठीक है। तो अब देखो फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या जा सकता है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, बेसिकली किसी भी चीज के साथ अगर फैक्ट्री वर्ड जुड़ा है एक्सपेंस के साथ तो हम लोग उसको फैक्ट्री एक्सपेंस मानेंगे। बात करें वेजेस की, वेजेस वर्कर को देते हैं, वर्कर लोग कहाँ पर होते हैं, फैक्ट्री में। फिर उसके बाद बारी आएगी डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मशीनरी कहाँ यूज होता है, फैक्ट्री में, सो कायदे से उसका जो डिप्रिसिएशन है ना वो भी कहाँ जाना चाहिए, फैक्ट्री के अंदर। सिमिलरली डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर हम लोग अज्यूम करते हैं कि ऑफिस में ज्यादा यूज होता है, तो उसका जो डिप्रिसिएशन आएगा ना कहाँ जाएगा, ऑफिस के अंदर, ऑफिस एंड एडमिन। और जो डिलीवरी वैन का डिप्रिसिएशन है, डिलीवरी वैन का काम क्या है, डिलीवरी करना है, डिलीवरी कब करेंगे, जब सेल्स का ऑर्डर आएगा, सो जो डिलीवरी वैन का डिप्रिसिएशन है वो कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। देन जो खर्चे हैं बेसिकली, जैसे कमीशन क्यों देते हैं हम लोग, सेल्स करने पे कमीशन देते हैं, सेलिंग एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, ये सारे वो खर्चे जो से सेल्स बढ़ता है, ये सारे सेल्स प्रमोशन वाले एक्सपेंसेस है। एंड जो ऑफिस का एक्सपेंस है जैसे सैलरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, डायरेक्टर लोग ऑफिस में होते हैं तो डायरेक्टर फीस ऑफिस एंड एडमिन में जाएगा, इंश्योरेंस एम्प्लॉयज का निकलते हैं, एम्प्लॉयज लोग कहाँ पर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो ये सारे खर्चे ऑफिस से रिलेटेड है, तो ऑफिस एंड एडमिन, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो मैं जाता हूँ सबसे पहले और मार्किंग कर देता हूँ पहले ही। देखो वेजेस दिया, वेजेस FE, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस नाम में ही फैक्ट्री है तो क्या लिखेंगे, फैक्ट्री एक्सपेंस। ऑफिस सैलरी मैंने आपको बोला ऑफिस से रिलेटेड है तो क्या मार्किंग कर देता हूँ, OA, OA स्टैंड्स फॉर ऑफिस एंड एडमिन। ऑफिस रेंट नाम में ही ऑफिस है, OA। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ये ऑफिस से रिलेटेड है तो OA। डायरेक्टर फीस अगेन ऑफिस से रिलेटेड है, OA। सेल्समैन सैलरी SD, सेल्समैन को सैलरी क्यों दे रहे, सेल्स बढ़ाने के लिए तो इसका खर्चा है सेल्स से रिलेटेड तो SD, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। एडवर्टाइजिंग क्या लिखेंगे, SD। डिलीवरी एक्सपेंस SD, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिबेंचर इंटरेस्ट इसको मैं सर्कल करके छोड़ देता हूँ बिकॉज ये वाला पार्ट मैंने अब तक आपको समझाया नहीं है। डिप्रिसिएशन आया ऑफिस फर्नीचर का कहाँ जाएगा, OA। प्लांट का कहाँ जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस। और डिलीवरी वैन के अंदर का कहाँ जाएगा, SD। तीन तीन डिप्रिसिएशन है, तीनों रिस्पेक्टिव कॉलम्स के अंदर चले जाएंगे, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, ऑफिस का ऑफिस में, और डिलीवरी वैन का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ओके, लॉस ऑन सेल ऑफ वैन क्या होता है, ये भी एक टाइप का एक्सपेंस है, लेकिन ये कौन सा एक्सपेंस है ये मैंने आपको अब तक सिखाया नहीं है, तो मैं इसको सर्कल करता हूँ और स्किप कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हम लोग पीछे जाते हैं, यहाँ पर फैक्ट्री एक्सपेंसेस के अंदर मैं लिख देता हूँ कौन कौन से खर्चे आए थे। सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर आया था वेजेस, दूसरा था फैक्ट्री एक्सपेंस,
और तीसरा था डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सबका अगर अमाउंट देखे तो वेजिस का था 1.5 लाख, 3.5 लाख, और प्लांट एंड मशीनरी का है 30,000। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ लिख देते हैं हम 1.5 लाख, यहाँ पर आएगा 3.5 लाख, 3,50,000, यहाँ पर आएगा 50,000, सॉरी 30,000, 30,000। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, डिप्रिसिएशन 30,000, राइट, 30,000 है। ओके सो हमने ये डाल दिया। अच्छा फिर एक बार मैं बता दूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थर्ड कॉलम में जाना चाहिए था, डायरेक्टली नहीं है, उसका एक सब हेडिंग है रॉ मटेरियल, जो कि सेकंड कॉलम में जाना चाहिए था। वैसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और एक सब हेडिंग था फैक्ट्री एक्सपेंस, ये भी कौन से कॉलम में जाना चाहिए था, सेकेंड। और ये फैक्ट्री एक्सपेंसिस के अंदर की चीज़ है ना, इसीलिए हमने कौन से कॉलम में लिखा, फर्स्ट कॉलम में लिखा। अब क्या करेंगे, इसका टोटल करके बाहर लिख देते हैं, बाहर आ रहा है 5,30,000। एंड अगर इन दोनों को प्लस करें और बाहर लिखे, बिकॉज ये आरएमसी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, और ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, इन दोनों को ऐड करना है, दोनों ही खर्चे, तो हमारे टोटल खर्चे कितने हो रहे, 15,30,000। ठीक है, ये 15,30,000 पता है क्या है, ये हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो थर्ड वाले कॉलम में अभी भी आया है बट प्रेजेंटेशन वाइज आया है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है और फैक्ट्री एक्सपेंस कितना है, बस। अब फॉर्मेट वाइज मुझे चेक करना पड़ेगा फॉर्मेट में अब क्या आता है। ठीक है, तो देखो अगर फॉर्मेट में जाए हम लोग, सो फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बाद आता है ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे ये मिलता है कैसे, मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या करते हैं, सेल्स माइनस सीओजीएस, सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जीपी मिलता है। मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ये रहा 20 लाख, 20 लाख में से अगर 15,30,000 माइनस कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा मेरा जीपी या फिर जीएम, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट। सो अगर माइनस करे तो माइनस करने पे आएगा 20 लाख माइनस 15,30,000, 4,70,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4,70,000 ग्रॉस मार्जिन आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसके बाद फॉर्मेट में हमको आगे जाना है, तो फॉर्मेट में आगे क्या लिखना है कैसे पता चलेगा, फॉर्मेट चेक करना पड़ेगा, फॉर्मेट वाइज जाना है, जो जो चीजें आती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग फाइंड करेंगे और वैसे वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है, सो अब हमारे फॉर्मेट में क्या आता है चेक करते हैं। अब हमारे फॉर्मेट में आता है एड ऑपरेटिंग इनकम। सो अब ऑपरेटिंग इनकम के अंदर क्या क्या आता है पहले हमको ये पता होना चाहिए, करेक्ट। तो हम जाते हैं एंड चेक करते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऑपरेटिंग इनकम, ये रहा हमारा ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम के अंदर तीन चीजें आती हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड। अब ये तीनों प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे होते हैं, ठीक है, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होंगे। तो हम जाएंगे एंड चेक करते हैं पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, देखो सेल्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल हमारे फॉर्मेट में नहीं है। इसका मतलब इस सम में, हमारे वाले सम में ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि हमें फॉर्मेट याद रहे, हेडिंग लिख देता हूँ ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर नील। उसके बाद बारी आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो हमारे फॉर्मेट में जाए तो हमारे फॉर्मेट में था ऑपरेटिंग इनकम, जो कि सब में है ही नहीं, तो मैंने क्या कर दिया नील। उसके बाद बारी आती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर दो हेड है, एक है ऑफिस एंड एडमिन और दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वही एक्सपेंस है जिसका मार्किंग हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने कहा था ना एक्सपेंसेस तीन पार्ट में डिवाइडेड है, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सो इसका मतलब ग्रॉस मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट में हमको ऑपरेटिंग इनकम ऐड करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करना है। बेसिकली ये ना पीएनएल के एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आप ये ऊपर का पार्ट देखो ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेसिकली हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की चीज है, यहाँ पर हमने एडजस्ट कर दी और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन कर रहा। अब जो चीजें हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर लिखते थे, पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक ही अकाउंट में प्रिपेयर कर देते थे, वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टल वाइज। अब हम लोग वर्टिकली प्रिपेयर कर रहे हैं उन सारी चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें होंगी जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाती है, बट यहाँ पर ज्यादा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि अगर ये एक्सपेंस ऑफिस का है तो ऑफिस में जाएगा, अगर सेल्स जैसे रिलेटेड है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, हमने हेडिंग तो डाल ही दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से कॉलम में जाना चाहिए, थर्ड कॉलम में जाना चाहिए, बट डायरेक्टली नहीं दिया है,
ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर सबसे पहले बारी आएगी ऑफिस एंड एडमिन, ऑफिस एंड एडमिन। तो ऑफिस एंड एडमिन कौन से कॉलम में जाना चाहिए सेकंड, बट वो भी हमारे पास नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो चीजें भी आने वाली है वो कौन से कॉलम में आने वाली है, फर्स्ट कॉलम में आएगी। जैसे मैंने कहा कहा ऑफिस एंड एडमिन लिखा हुआ है, जैसे यहाँ एक, ये दो, ये तीन, चार, बस चार जगह ओ ए नहीं, ये रहा पांच, पांच जगह हमने ओ ए लिखा हुआ है। तो ये सारे खर्चे मैं कायदे से ऑफिस एंड एडमिन के अंदर लिखूंगा। जैसे यहां पर मैं लिखूंगा ऑफिस एंड, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले ऑफिस का खर्चा था ऑफिस सैलरी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऑफिस सैलरी, देन फिर उसका अमाउंट लिख दूंगा, फिर आएगा ऐसे ही रेंट, ऐसा करते 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 ऑफिस का टोटल आ जाएगा। फिर दूसरा मैं लिखूंगा, दूसरी बारी किसकी आएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है, तो कौन से कॉलम में जाना चाहिए सेकंड, बट प्रॉब्लम है कि डायरेक्टली नहीं दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर जितनी भी चीजें दी गई होंगी वो कौन से कॉलम में आएंगी, फर्स्ट कॉलम में आएंगे। तो हमें कुछ इस तरीके से लिखना है, ठीक है। इसका प्रॉपर फॉर्मेट मैं तुम लोग को बता देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो ऑपरेटिंग इनकम हमने लिख दिया जो कि सब में नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा, नील। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है जो कि कौन से कॉलम में जाना चाहिए, थर्ड कॉलम में जाना चाहिए, बट डायरेक्टली नहीं दिया है, उसके अंदर आता है ऑफिस एंड एडमिन, तो सेकंड कॉलम, इसी के अंदर आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन सा कॉलम, सेकंड कॉलम। और ये सारी चीजें हमको ऑफिस की मिल जाती है जो कि कौन से कॉलम में आने वाली है, फर्स्ट। एंड अगेन ये सारी चीजें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्किंग किया हुआ था, सिर्फ लिखना था, तो मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से ही एंट्री करके खाली प्रेजेंटेशन पे आपका ताकि फोकस रहे इसलिए कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ अमाउंट लिखना है, तो मैं डायरेक्टली अमाउंट लिख देता हूं, सो हमारा ऑफिस सैलरी है 25 एंड 39, सो हम लोग जाके लिख देते हैं 25,000 एंड 39,000। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अमाउंट था 5,000, डायरेक्टर फीस 6,000, सो हम लोग जाएंगे यहाँ पर लिख देते हैं 5, यहाँ पर 6, उसके बाद बारी आएगी डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर 10,000, सो मैं जाके यहाँ लिख देता हूँ 10,000। एंड देन हम लोग क्या करेंगे इसका टोटल, तो चेक करते हैं कितना आएगा टोटल, 25,000 प्लस 39,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000, 85,000। ये 85,000 क्या रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट, ये रिप्रेजेंट करता है ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस का टोटल है ना 85,000, ठीक है। ओके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड कॉलम में जाना चाहिए बट आएगा प्रेजेंटेशन के साथ, पहले फर्स्ट कॉलम फिर टोटल करके बाहर। तो हम लोग जाके है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक कर लेते हैं कितने हैं, एक, दो, तीन और चार, चार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। पहले का अमाउंट है 12 एंड 10, एडमिन सैलरी 12,000, एडवर्टाइजमेंट 18,000, सो मैं जाके सैलरी लिख देता हूँ, सेल्समैन सैलरी 12,000। एडवर्टाइजिंग, अगर आप सोच रहे हैं एडवर्टाइजिंग सेल्स से कैसे रिलेटेड है, जितना ज्यादा एडवर्टाइज करेंगे उतना ज्यादा हमारा सेल्स बढ़ता है, तो एडवर्टाइजिंग जो खर्चा है ये सेल्स से रिलेटेड है। देन डिलीवरी एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस 20,000, सो मैं जाके लिख देता हूँ 20,000। उसके बाद बारी आएगी डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, चेक कर लेते हैं डिलीवरी वैन है क्या, हाँ 20,000, तो ये भी मैं लिख देता हूँ इसके सामने 20,000। एंड चेक कर लेते हैं एक बार कुछ और, एसटी तो नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑफिस एंड एडमिन हो गया, ये हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक, दो, तीन, चार, सिर्फ चार एक्सपेंसेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका भी टोटल कर देंगे, तो अगर टोटल करें जो टोटल आ रहा है 12,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, 70,000, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ 70,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों एक्सपेंसेस को, ये भी एक्सपेंस है ये भी एक्सपेंस है, दोनों एक्सपेंसेस को प्लस करके बाहर लिख देते हैं, सो हमारे दोनों एक्सपेंसेस को प्लस करें, 1,55,000, यहाँ मैं देखो यहाँ लिख देता हूँ 1,55,000, ये क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी लिख देता हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ये टोटल है।
अब हम लोग ने लास्ट टोटल कहाँ किया था, लास्ट टोटल हमने यहाँ किया था 4,70,000 रुपये, जो जीएम था ना, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन, वहां पर हमने किया था, राइट। अब हमको मिलेगा क्या वैसे फॉर्मेट में, चेक कर लेते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट वाइज जाए तो देखो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गया, ठीक है। उसके बाद हमको क्या मिलने वाला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। वैसे ये मिलेगा कैसे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। तो मैं जाके लिख देता हूँ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। सो मिलेगा कैसे, 4,70,000 जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस मार्जिन आया था, माइनस 1,55,000, सॉरी 3,15,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ 3,15,000, ठीक है। देखो मैं सिर्फ फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूँ, फॉर्मेट फॉलो करते जा रहा हूँ और लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि ये किस चीज़ के अंदर क्या आता है ये पता होना चाहिए। जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या जाता है, देन एक्सपेंसेस के जो तीन पार्ट है, फैक्ट्री के अंदर क्या क्या जाता है, ऑफिस के अंदर क्या क्या जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या क्या जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग नहीं दिया, मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हैं एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के भी आगे जाते हैं। अब हमको फॉर्मेट पता होना चाहिए तभी हम लोग एंट्री कर पाएंगे, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं एंड फॉर्मेट में चेक करते हैं अब कौन सी चीज आने वाली है। फॉर्मेट में अब आएगा बारी है इंटरेस्ट का, ठीक है। इंटरेस्ट तो चेक कर लेते हैं इंटरेस्ट के अंदर क्या क्या लिखना है। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया इंटरेस्ट में क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है डेबिट साइड का लेना है, डेबिट साइड इंटरेस्ट, राइट। सो हम लोग चेक करते हैं हमारे क्वेश्चन में डेबिट साइड पे कोई इंटरेस्ट दिया है क्या। ये रहा डिबेंचर इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट के अंदर ये जाने वाला है। सो मैं क्या करता हूँ डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ लेस इंटरेस्ट, क्योंकि एक ही है विच इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हम लोग डायरेक्टली थर्ड कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 20,000 आई गेस, एक बार चेक कर लेते हैं, यस 20,000। सो एंड देन हमें फॉर्मेट वाइज क्या मिलेगा, अब हमें फॉर्मेट में मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मैं जाके लिख देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा, जो लास्ट हमने टोटल किया था 3,15,000, इसमें से 20,000 माइनस कर देंगे। तो चेक करते कितना बचेगा, -20,000, 2,95,000। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,95,000। ये है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्यों करते हैं, इसके पीछे रीजन है, एक छोटे से एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा। हम लोग लेकिन फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, आगे जाते हैं फॉर्मेट में। अब क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमको नॉन ऑपरेटिंग चीजें लेनी है। पहले नॉन ऑपरेटिंग इनकम आएगा, फिर लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसके बाद जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीबीटी। एनपीबीटी मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो हम लोग लास्ट पार्ट पे आ गए हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग में के अंदर क्या क्या जाता है। इसका भी मैंने एक लिस्ट बना दिया है। ये सारी चीजें नॉन ऑपरेटिंग इनकम पहले तो हमको मिलेंगी क्रेडिट साइड से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है। ये सारी नॉन ऑपरेटिंग है। इसका मतलब देखो इंटरेस्ट कब मिलता है, जब हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसी इनकम जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव तब होता है जब हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो शेयर्स में इन्वेस्ट करना मेरा काम नहीं है। अगर सपोज मैं क्लासेस का बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा हूँ, या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस होना चाहिए। वहां से जो इनकम आ रहा है वो ऑपरेटिंग इनकम है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया और वहां से इनकम आ रही है, तो वो मेरे लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम बन जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद बारी आती है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐसा एक्सपेंस जिसकी वजह से मेरा बिजनेस, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, मेरा बिजनेस कर रहा था, मैं बिजनेस में करते करते कोई एसेट मैंने सेल ऑफ कर दिया लॉस में, तो अब मेरा एसेट बेचना काम नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसा एक्सपेंसेस है जो मेरे डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ओके, सो हम लोग जाते हैं चेक करते हैं ऐसा कोई नॉन ऑपरेटिंग। पहले तो हमको इनकम चाहिए जो कि पीएनएल के क्रेडिट साइड पर मिलेगा। ये देखो दो इनकम दिख रही है मुझे यहाँ पर,
डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या था तो 10,000 मिला, ये इनकम है लेकिन नॉन ऑपरेटिंग है, NOI शॉर्ट फॉर्म। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेचा था साल के बीच में प्रॉफिट हो गया, बट फर्नीचर बेचना हमारा जॉब नहीं है, हमारा काम ये नहीं है, बिजनेस मेरा फर्नीचर बेचने का नहीं है, ये इंसिडेंटल पार्ट है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, NOI नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन क्योंकि इनकम है तो इसे मैं ऐड कर देता हूँ। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इधर ये 2,95,000 क्या रिप्रेजेंट करता है कि इतना मैं अपने बिजनेस से कमाता हूँ। अब ये जो इसमें मैं ऐड करूंगा ना NOI नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जिसमें डिविडेंड है, जिसमें प्रॉफिट है, ये नॉर्मल इंसान को ये बताने में हेल्प करेगा कि ये जो इनकम है ना ये नॉन ऑपरेटिंग है, और हमेशा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और नॉन ऑपरेटिंग कम। ठीक है, ओके, क्यों, रीजन आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहां से हम सारी चीजें थर्ड कॉलम में लिख देते हैं। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट था 10,000 एंड ये था 20,000, सो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 20,000। एंड देन बारी आएगी लेस NOE, NOE स्टैंड्स फॉर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर कोई भी टाइप का लॉस आता है चेक करते कोई लॉस था क्या, ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ वैन, कितना है 5,000। सो मैं जाके यहाँ पर लिख देता हूँ 5,000। ठीक है, पहला दो ऐड होगा और ये वाला लेस, तब हमें मिलेगा NPBT नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो हम लोग 295 में से 295,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000 माइनस 5,000 सॉरी 3,20,000। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ NPBT नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले मैं इतना कमा रहा हूँ, और अगर मैं टैक्स पे कर दूँ तो मुझे मिलेगा NPAT नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चेक करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए पहले इनकम टैक्स चाहिए, ये रहा इनकम टैक्स 1,75,000। सो मैं जाता हूँ यहाँ लिख देता हूँ 1,75,000। सो अगर इसमें से 1,75,000 निकाल दें तो बचते हैं 1,45,000। ये है मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यहाँ आके हमारा सम खत्म हो जाता है। हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं हमारा सम राइट है कि रॉन्ग है, क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया था, अगर ध्यान से देखोगे उतना ही नेट प्रॉफिट मेरा आया है 1,45,000। देखो मैंने ना कुछ नहीं किया, ना मैंने कुछ घटाया, ना मैंने कुछ जोड़ा इसमें, ये जो पीएनएल बना बनाया दिया था ना हॉरिजॉन्टल वे में, इसको मैंने वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। देखो नेट प्रॉफिट उतना ही आ रहा है जितना यहाँ दिया 1,45,000, ये हॉरिजॉन्टल तरीके से, और यहाँ पर जो मैंने बनाया ना ये वर्टिकल तरीके से हम लोग को हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। ठीक है, ये जो हमने बनाया था ये एनालिसिस के लिए बनाया था, ये हमने क्यों बनाया था, एनालिसिस के लिए। अगर नॉर्मल इंसान इसको देखेगा तो वो ध्यान से और ज्यादा सही तरीके से समझ पाएगा इस पीएनएल को, बिकॉज इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं मेंशन किया गया है। एक इनकम है ऊपर दिया है जो कि सेल्स, जिसमें ये भी मेंशन कर दिया कितना कैश है कितना क्रेडिट है, नॉर्मल इंसान ये समझ सकता है। हाँ, उसके बाद नीचे सारे लाइन से खर्चे दिए गए हैं, खर्चों को एलोकेट कर दिया है फैक्ट्री में, ऑफिस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हर पार्ट पे कितना ऑफिस में कितना खर्चा हो रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है, या फैक्ट्री में कितना खर्चा हो रहा है, यह हमें पता चल जाता है, तो एनालिसिस करने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो हम लोग ये वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट इसीलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि एनालिसिस कर सके। ठीक है, और इसका जो पूरा फॉर्मेट, अगर ये फॉर्मेट याद हो गया तो हम लोग डायरेक्टली सम कर सकते हैं, लेकिन ये याद होना जरूरी है कि किस पार्ट के अंदर क्या आता है। जैसे कि मैंने आपको लिस्ट दी थी ऑपरेटिंग इनकम के अंदर क्या क्या आता है, इंटरेस्ट पेड में क्या क्या आता है, देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर कौन कौन सी चीजें लेनी है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर कौन कौन सी चीजें लेनी है, ये सारी चीजें हमको याद रखनी है। देन अगेन एक्सपेंसेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये सारी चीजें आपको याद रखना जरूरी है, इसको मेमोराइज ही करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, और ऐसा हम लोग क्यों करते हैं उसके लिए मैं आपको एक रीजन दे देता हूँ, जिसमें हम लोग ने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अलग किया था, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी अलग किया था। तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, दो पीएनएल है दो कंपनी का, एक ए लिमिटेड एक बी लिमिटेड, ए बी डेबिट साइड एक्सपेंस क्रेडिट साइड इनकम, डेबिट साइड एक्सपेंस क्रेडिट साइड इनकम। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि है ना ए लिमिटेड के एक्सपेंसेस है 10,000, ठीक है, एंड ए लिमिटेड का जीपी ग्रॉस प्रॉफिट है 20,000। ठीक है, ओके, देन बी लिमिटेड एक और एक कंपनी है जिसका एक्सपेंसेस है 15,000 और उसका जीपी है ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000, बट साथ ही साथ में बी लिमिटेड ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करके रखे हुए हैं जिनके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलता है सालाना, सो इंटरेस्ट भी इनकम है, तो उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 15,000।
ठीक है, अब होगा क्या, हम लोग एनालिसिस कैसे करेंगे प्रॉफिट के बेसिस पे, कौन सी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रही है। सपोज अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, जीपी दिया 20,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा 20,000, यहाँ भी लिखूंगा 20,000, 20 में से 10 गया तो यहाँ पर कितना बचेगा 10,000। सो ए लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है 10,000। बात करें बी लिमिटेड की, तो 30 + 15 टोटल करें तो यहाँ पर आ रहा है 45,000। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 45,000, 45,000 में से 50,000 गया तो कितना बचेगा 30,000, ये मेरा प्रॉफिट है। अब अगर सपोज एनालिसिस करते वक्त हमको कंपेयर करना है ए कंपनी और बी कंपनी को, सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि बी कंपनी बहुत अच्छी है, बट ऐसा नहीं है। बी कंपनी का ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ना 30,000 का, इसके अंदर 15,000 मतलब 50% ऑफ दिया प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट इनकम है ना, ये नॉन ऑपरेटिंग है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो अगर ए और बी को कंपेयर करना है तो इसका जो प्रॉफिट है ना वो 15,000 होना चाहिए, ये इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब कंपेयर किया जा सकता है बी लिमिटेड और ए लिमिटेड को, बिकॉज यहाँ पर ए लिमिटेड ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, ये जो इसका इनकम था यहाँ पर, ये इसका ऑपरेटिंग इनकम था। तो जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो हमको ऑपरेटिंग को अलग और नॉन ऑपरेटिंग को अलग रखना पड़ता है, और हमेशा याद रखना ऑपरेटिंग ज़्यादा होना चाहिए नॉन ऑपरेटिंग से। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो उसको कंपेयर करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ, और अगर ऑपरेटिंग इनकम हो रहा है तो हम लोग चेक करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम के साथ कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए। तो ये सारा पार्ट था हमारे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल के अंदर हम लोग और ज़्यादा अच्छी तरीके से इस फॉर्मेट को समझने की कोशिश करेंगे, बट इस वाले वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।